हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन। स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन सीखेंगे हम लोग, यानी कि साइन कन्वेंशन क्या कैसे होता है और उस पर सवाल कितने आधारित होते हैं उसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। तो आज का हमारा 6वां लेक्चर है। हम इसके पहले वाले सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरीके से आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो है हमारा कि द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी कि जो हमारा मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, सही से बन तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक, यहाँ हमारा पोल हो गया, ठीक। तो द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी कि जो हमारा मिरर होता है ये हमारा राइट हो गया साइड, ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ हर समय रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम हर समय लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, उसके अलावा हम कहीं नहीं रखेंगे, ठीक। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। तो ये हमारा पोल हो गया, पोल के हम लोग अपना इधर लेफ्ट साइड, चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी होगा तो फिर भी हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। और हमारा यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हर समय निगेटिव ही होता है, ठीक। आशा करते हैं समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और फिर भी आप लोग जरूर करिएगा। फिर द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ऑल डिस्टेंस शुड मेजर फ्रॉम द पोल, यानी कि हम कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ये पोल से लेकर ही मेजर करेंगे, यानी कि जो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमारा यू होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक। टेक पी एज ओरिजिन डिस्टेंस मेजर्ड, यानी जो हमारा ये पी पोल होता है ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है, ठीक। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं हम, तो जैसे कि एक कार्टेशियन सिस्टम दिया है, यानी कार्टेशियन प्लेन है, उस पर हम समझ लेते हैं। तो आपने ग्राफ में मैथ में ज़रूर पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो ये आपने पढ़ा ही होगा, तभी ना आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये हमारा जो ओ लिखा है हमारा क्या है, ओरिजिन है, क्या है हमारा ओरिजिन, जहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है। फिर ये हमारा इधर क्या होता है, राइट साइड हमारी, ये हमारा राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ये हमारा अपर साइड है, ठीक, ये हमारा अपर है, ये हमारा क्या है, लोअर है, ठीक। जो हम डिस्टेंस क्या करते हैं, राइट साइड लेते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। अगर राइट लेफ्ट साइड लेते हैं हमारा डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर ऊपर लेते हैं तो हम पॉजिटिव में डिस्टेंस लेते हैं, अगर नीचे लेते हैं क्या करते हैं, निगेटिव में लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस हो गया, यानी कि हम जब राइट साइड में एक्स एक्सिस लेते हैं तो हम पॉजिटिव में लेते हैं, अगर हम निगेटिव लेफ्ट साइड लेते हैं एक्स एक्सिस तो हम निगेटिव में लेते हैं, अगर अपर साइड यानी वाई एक्सिस पर अगर हम लेते हैं तो हमारा अपर साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अगर लोअर साइड लेते हैं तो हमारा निगेटिव होता है। तो आगे देखते हैं, यही हम पूरा हमारा कुछ चार पॉइंट है। तो राइट साइड ऑफ द ओरिजिन एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, जैसा कि हमने पीछे क्या बताया, जो हमारा एक्स एक्सिस है अगर राइट साइड है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक। फिर आगे देखते हैं, राइट लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन एक्स एक्सिस आर टेकन है निगेटिव, यानी कि हमने अभी बताया था कि जब हम माइनस एक्स की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस निगेटिव होगा, ठीक। फिर हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस प्लस वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा वाई एक्सिस है प्लस वाला ये हमारा क्या है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। हमने बताया ना ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ये हमारा क्या है, ये हमारी ओरिजिन है, ओरिजिन पे जो परपेंडिकुलर रहता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, आगे है परपेंडिकुलर द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे वाला जो हमारा होगा ये हमारा क्या होता है, निगेटिव लिया जाता है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस होता है। तो नीचे हमारा क्या होगा, निगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ नॉलेजेबल कंटेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे वीडियो इसी तरीके से आते रहेंगे। रोज़ 7 बजे हम मिलेंगे यहीं पे, तो 7 PM पे रोज़ क्लास रहती है हमारी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिएगा। कुछ नया आने वाला है, आपको सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।